नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर एमजे में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पंप। जी हां, पंप के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने पार्टनर और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ऑफ पंप। जानेंगे अब हम पंप के टाइप्स के बारे में। तो पंप के जनरली दो टाइप्स होते हैं, डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। डायनेमिक पंप के अंदर आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और जेट पंप, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर आता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर तीन टाइप्स के पंप होते हैं, डायफ्राम टाइप पंप, प्लंजर टाइप पंप और पिस्टन टाइप पंप। रोटरी पंप के अंदर भी तीन टाइप्स होते हैं, गियर पंप, वेन पंप और स्क्रू पंप। और हाँ, इन सभी पंप में से जनरली तीन टाइप्स के पंप का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन होती है, ट्रांसपोर्ट द फ्लूइड बाय कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। सेंट्रीफ्यूगल पंप के तीन स्टेज होते हैं, सिंगल स्टेज पंप, डबल स्टेज पंप और मल्टी स्टेज पंप। इन तीनों स्टेज को आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, सेकेंड नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसकी डेफिनेशन है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप। It is used for fluid displacement with required pressure and it is used for less volume of fluid. इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, बट इसके अंदर तीन टाइप्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लंजर टाइप, पिस्टन टाइप और डायफ्राम टाइप। आपको नाम से पता चल रहा होगा, पिस्टन टाइप में पिस्टन का यूज़ करते हैं, प्लंजर में प्लंजर, डायफ्राम में डायफ्राम। थर्ड नेक्स्ट है रोटरी पंप। इसकी डेफिनेशन है, कैपेबल ऑफ पंपिंग मोर फ्लूइड देन रेसिप्रोकेटिंग पंप। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें भी तीन टाइप्स, गियर पंप, वेन पंप और स्क्रू पंप। इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, गियर पंप में गियर का इस्तेमाल किया गया है, वेन पंप में वेन का और स्क्रू पंप में स्क्रू का। बट इसको भी आप इमेज के थ्रू समझिए। जैसा कि दोस्तों, आज हमने पंप के बेसिक्स पढ़े, टाइप्स के बारे में जाने और साथ ही साथ उनके डेफिनेशन भी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सा पंप कहाँ पर यूज़ करें। हमें कैसे पता चलेगा कि किस पंप का यूज़ कहाँ पर करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है हमारे पास और हमारे पास एक रोटरी पंप है। अब हमें कैसे पता चले कि हम कहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करें और कहाँ पर रोटरी पंप का? इसके ऊपर मैं अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही जल्द आप तक वो वीडियो पहुँचेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।